देखिए, जिनको जनता ने त्याग कर दिया है वो अभी भी आज तक अपने गिरिबान में झांकने के लिए सक्षम नहीं। हरियाणा की जनता ने और महाराष्ट्र की जनता ने बहुत स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विश्वास जताया है महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं काफी समय मैंने बिताया है महाराष्ट्र की कैंपेन में, और मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि 2004 से मैं महाराष्ट्र के कैंपेन में इन्वॉल्व, तो मुझे 20 साल हो गए, हर 5 साल की अवधि में इतना स्पष्ट मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने अपने आजादी के 75 वर्षों में कभी भी नहीं दिया है एक गठबंधन को जितना इस बार दिया है। ये एक जितना ऐतिहासिक तीसरी बार प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं जो 75 वर्ष में संभव नहीं हो पाया। मैं उस अवधि की बात नहीं करूंगा, उस कालखंड की बात नहीं करूंगा जब कोई विपक्षी नहीं था, तो स्वाभाविक है कि आप ही वापस आएंगे, पर जब इतना कंपेटिटिव पॉलिटिक्स हो गया है, 75 वर्ष में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश की जनता ने मौका दिया है सेवा करने के लिए, वही रिकॉर्ड प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाराष्ट्र में इस बार हम लोग ने तैनात किया है। और जो लोग इस पर भी अपना विश्लेषण न करना चाहें, और संसद जो प्रजातंत्र के का मंदिर है उस प्रजातंत्र के मंदिर को भंग करने में तुले हुए, तो ना उनको भारत के प्रति आस्था है, ना उनको धर्म के प्रति आस्था है, ना उनको लोकतंत्र के प्रति आस्था है, और ना उनको प्रजातंत्र के मंदिर के प्रति आस्था है। और जबकि उनकी ही इंडियन अलायंस में ऐसे अनेक दल हैं जो कह रहे हैं कि हमको तो चर्चा करना है भैया, संसद चलना चाहिए, पर हट है नहीं, देश की जनता के बीच में चर्चा नहीं होनी चाहिए, हमारी चलनी चाहिए। बाल अट है कि त्रि आठ है, इसकी घोर निंदा करता हूं, और हर देश की जिम्मेदारी होती है कि अपने हर नागरिक की सुरक्षा पूर्ण रूप से निर्धारित करें, और मैं ये कामना करता हूं कि एक एक व्यक्ति जान और माल की सुरक्षा हम लोग वहां कायम रख पाएं।